अगला अभ्यास करेंगे हम लोग सशक आसन का। ये खरगोश से लिया गया है। आप दोनों हथेली को जांघ पे रखिए, सांस भरते ऊपर उठाइए और थोड़ा पीछे झुकिए और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ सो जाइएगा। पूरा लेटिए ऐसे। हाँ, हथेली और ये पूरा केहूनी जमीन पर, माथा और ललाट जमीन पर, ऐसे नाक घुमा देते हैं सांस बाहर, सोच के रास्ते को सिकोड़िए। सोच का रास्ता और पेशाब के रास्ते को मन के द्वारा संकुचित करिए, सिकोड़ लीजिए। थोड़ा देर रुकिए। सांस भरते हुए उठ जाइए, उड़िए धीरे धीरे। हाँ, अब दोनों हथेली को फिर जांघ पे रख लीजिए। इसका क्या नाम है? सशक आसन। बोले सशक। सशक आसन। सशक माने क्या होता है? खरगोश। खरगोश कितना तो खरगोशों मार के खा रहा है, नहीं तो खरगोश उसगोश नहीं खाना है। तो सशक आसन करने से इसका लाभ बता रहे हैं, जिनके शरीर चेहरा पर कील मुहासा दाग धब्बा बर्रे निकलता है उनके लिए, आंख की रोशनी जिसकी कम हो रही है उसके लिए, दूसरा जिनके आंखों के ऊपर काला काला ना ऐसे छाई हो जाता है उसके लिए, गर्भ, ये जो गर्भ किसी किसी माताओं का ना यूटेरस बाहर निकल जाता है गर्भाशय उसके लिए, किसी किसी का गुदा यानी शौच का रास्ता बाहर निकल जाता है उसके लिए जबरदस्त है, और ये माताओं संबंधी गर्भाशय संबंधी सभी प्रकार के विकारों को दूर करता है ये सशक आसन। इसलिए आप लोग इसको रोज करिएगा। दिमाग को भी तेज करता है, कारण कि जब आगे झुकते हैं तो शरीर का खून कहाँ जाता है? दिमाग की तरफ जाता है, नहीं तो दिमाग भी बहुत उर्वर हो जाता है। तो भाई अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।